यहाँ पे कल रात ऐसा हुआ है, जब से यहाँ पे सेंट्रल फोर्स आता है, सेंट्रल फोर्स आने की बात उधर पे सब हाउसेस बर्न हो गए। तो आज उन लोगों ने यहाँ पे धरना करके रखा है क्योंकि सेंट्रल फोर्स नहीं आना है। हमें लगातार गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बॉडी तो पूरा जल गया है पर सर अभी भी पड़ा हुआ है। शाम के 5 बजे थे, इम्फाल के चेकोन इलाके में एक कुकी के घर में आग लगा दी गई। इलाके के मैतेई पंगाल आग को बुझा रहे हैं। मैतेई पंगाल मणिपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बोला जाता है। इलाके के कुकी का एक घर था जो कि 3:30 बजे जला दिया गया। इस घर की दीवार भी अभी इतनी ज़्यादा गर्म है कि शायद किसी का हाथ भी जल सकता है। पूरा घर जला दिया गया है। इलाके की अगर मैं बात करूं तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इलाके में सिचुएशन पहले इतनी नॉर्मल हुआ करती थी कि पड़ोस में एक तरफ कुकी का मकान है, बीच में मुस्लिम का, दूसरी तरफ मैते का। ये घर थांगतिलेन हाउकिप का है और उनका मानना है कि उनके घर को अरम्बाई तेंगोल के लोगों ने जला दिया। कुकी समुदाय के लोगों का आरोप है कि इस समूह को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। इस समूह के लोगों के लिए कहा जाता है कि ये लोग काले रंग की पोशाक में नजर आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमें मोइरांग में मिले। हम लोग का घर अभी सुसामपुर में है। सुसामपुर में मेरा घर खुमुजाम्बा के कर एक गांव नाम है, वो सब अभी बर्न हो चुका है। तो अभी हम लोग का उधर से हम लोग जो मैतेई लोग है पूरा भाग चुका है, सुसामपुर से पूरा भगा चुका है। अभी रिलीफ के मोइरांग में हम सब लोग रुका हुआ है। लेकिन हम लोग जो रिलीफ कैंप से जो भी उधर से भाग कर आ रहा है ना, वो लोग हम लोग वॉलंटियर के लिए ये जो मैतेई लोग का घर ये अभी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वॉलंटियरली वो निकल कर आया है। और हम लोग अभी ये 3 तारीख से घर कुकी मिलिटेंस के साथ हम लोग लड़ाई हो रहा है। कुकी मिलिटेंस लोग अभी एक से एक ये घर चलाते रह रहा है 3 तारीख से। तो अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा हम लोग मदद कर सकता है तो ये उन लोग को मदद करने के लिए हम लोग निकल कर आया यहाँ पर। मणिपुर पुलिस पर कुकी समुदाय मैतेई समुदाय का पक्ष लेने का इल्ज़ाम लगातार लगा रहा है। मोइरांग में पुलिस के साथ आम लोगों की हथियारों के साथ मौजूदगी होना कई सवाल खड़े करता है। ये लोग अरम्बाई समूह से जुड़े होने से इनकार करते हैं। मैंने इनसे ये भी पूछा कि क्या इनके पास ये लाइसेंस हथियार हैं? पूरा लाइसेंस गन। एवरीबॉडी? नहीं, नॉट एवरीबॉडी। थोड़ा ये लाइसेंस गन हम लोग तब वार हुआ है ना, उसके दिन में लिया है। सबको नहीं है मगर? सबका नहीं। मणिपुर की जनसंख्या करीबन 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं, मैतेई मुसलमान भी हैं। जनसंख्या में भी मैतेई ज़्यादा हैं। मणिपुर के 10% इलाके पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा है। बाकी की 90% जनसंख्या पहाड़ी इलाके में रहती है।
मैतेई समुदाय ने मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उसके पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था और वो दर्जा उन्हें वापस दिया जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी सरकार से मैतेई समुदाय की मांग पर विचार करने को कहा। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की, आदिवासी एकजुटता रैली। ये रैली राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूड़ाचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में लोगों की मांग थी कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाए। इस रैली के बाद दोनों समुदाय के बीच में दंगा भड़क गया। चूड़ाचांदपुर में रहने वाले कई मैतेई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं खुद तोरबंग से हूँ। उस दिन उन लोगों ने एक रैली ऑर्गेनाइज की पीस ग्राउंड से पब्लिक ग्राउंड तक। ठीक उसके बाद उन लोगों ने हिंसा भड़काना शुरू कर दिया। मेरा भाई जो पानी सप्लाई करने गया था, वापस आते समय उन लोगों ने मेरे भाई को बेरहमी से मारा। इस घटना का सबूत भी है हमारे पास। तब आसपास के लोगों ने हिंसा को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने चांदपुर से लगभग 20,000 लोगों को बुलाया और हमारे घर और दुकानें जलाना शुरू कर दिया। हमने अपने घरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन लोगों ने बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिया था। उनकी मांग तो सरकार से है, तो सरकार के खिलाफ कीजिए जो करना है, लेकिन हम मासूमों के घर और जान पर हमला क्यों कर रहे हैं? सेंट्रल फोर्सेस जो हमें बचाने के लिए आए थे, वो तो बस देखते ही रह गए। उनके सामने हमारे घर जलाए गए, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, लेकिन कुछ नहीं किया BSF और आसाम राइफल ने। हमारे घर आज भी जल रहे हैं और शायद कल भी जला दिए जाएंगे। कुकी बहुल इलाकों में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग चल रही है। दूसरी तरफ इम्फाल, जहां पर मैतेई समुदाय के लोग हैं, वहां पर वन मणिपुर वन एडमिनिस्ट्रेशन की मांग जारी है। 3 मई के बाद मणिपुर का माहौल इतना बदल गया कि अब इम्फाल में कुकी समुदाय के लोगों का आना नामुमकिन है। वहीं मैतेई समुदाय के लोग चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी जैसे तमाम हिल एरियाज में नहीं जा सकते। ये लोग एक दूसरे के इलाकों में दाखिल ना हों, उसके लिए जगह जगह पर पूरे मणिपुर में आम लोग गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए। फिर 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया। जातीय हिंसा से विस्थापित 50,000 से भी ज्यादा लोग वर्तमान में 349 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। CM बीरेन्द्र सिंह से दोनों ही समुदाय के लोग नाराज हैं। गृह मंत्री के इस दौरे के बाद मणिपुर कितना बदला? क्या हिंसा रुकी? क्या लोगों के बीच की नफरत खत्म हुई? क्या कैंप में रह रहे लोगों के पास मदद पहुंची? गृह मंत्री ने लोगों से क्या वादे किए? क्या वो वादे जमीन पे सक्षम हुए? तमाम सवालों के जवाब हम आने वाली रिपोर्ट में खोजने की कोशिश करेंगे। द वायर के लिए याकूत अली की रिपोर्ट। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।